तो आज की वीडियोज में हम बात करेंगे रेन से रिलेटेड। हमने लास्ट क्लासेस में शीट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सीखा था, आज हम आपके साथ बात करेंगे रेन से रिलेटेड चीजें कि आखिर रेंज का क्या यूज होता है। तो चलिए हम विजुअल बेसिक ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ हम दो स्क्रीन कर देते हैं ताकि दिखे आपको। अब मान लीजिए मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ मॉड्यूल्स को और मान लीजिए कि मुझे A1 पे क्लिक करना है, तो इसके लिए कोड क्या होगा, किसी रेंज को कॉल करने का कोड क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रेंज के लिए हम रेंज लिखते हैं कि रेंज और A1 पे क्लिक करना है तो यहाँ पे A1 और यहाँ पे डॉट सेलेक्ट हमने कर दिया, या फिर हम लिख सकते हैं सेल्स सेल्स 1,1 डॉट सेलेक्ट। अब 1,1 क्या हुआ, वन रो एंड वन कॉलन, R1C1 स्टाइल इसको बोलते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए यहां पे लाना है तो R7 मतलब 7,3 होगा, मतलब तीसरा नंबर रो है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो रेंज A1 और ये आपका सेल्स आ गया। अब बात यहां पे एक और आता है एक्टिव सेल, मतलब कि जिसपे कर्सर है, और चौथा आता है सिलेक्शन। इसमें एक चीज और चलता है सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब जितना एरिया सिलेक्ट है। तो एक्टिव सेल एक सेल के लिए, जब एक सेल पे क्लिक होता है, जब एक से ज्यादा सेल सिलेक्टेड है तो उसको हम लोग सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्शन। क्लियर है। अब किसी सेल पे क्लिक करना है तो हमने रेंज A1 डॉट सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या होगा, अगर आप लिखते हैं यहां रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, तो क्या होता है, सेम सीट, जो शीट सेम है रेंज A1 डॉट सेलेक्ट कर दिया, तो जो एक्टिव सीट है आपका उसी का हुआ। अब मैं यहां पे करूं ये मुझे सीट 2 का चाहिए, तो मुझे सबसे पहले इसके ऊपर सीट्स और सीट 2 डॉट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, सीट 2 डॉट सेलेक्ट करना होगा। तो सेम फाइल के सीट, जो एक्टिव फाइल है उसके सीट 2 और सीट 2 पे A1 पे कर्सर रख देगा, लेकिन मुझे किसी और फाइल पे जैसे बुक 2 के सीट 2 पे जाना है तो आपको यहां लिखना होगा बुक वर्क बुक्स और यहां पे बुक 2 डॉट xls डॉट एक्टिवेट, समझे। तो बुक 2 को एक्टिवेट किया, उसके सीट 2 पे गया, और यहाँ अगर फाइल ओपन है तो, अगर फाइल ओपन नहीं है तो इसके जगह पे हम फाइल का ओपनिंग पासवर्ड डालेंगे, ठीक है सर, क्लियर है। अब दूसरा आते हैं कि किसी सेल पे हम कुछ टाइप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे A1 पे कुछ टाइप करना है, तो A1 पे टाइप करने का कोड कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने नेम लिख दिया, फिर रेंज B1 डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ पे रोल, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेंज